दोस्तों आपने एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी कभी आप गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, एंग्शियस होते हैं या थकान बहुत ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो आपकी सांसें कैसी तेज़ से आती जाती हैं, तेज़ होती हैं। और वहीं जब आप शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं या सुबह सुबह सो के उठे होते हैं, तो सांसें कैसी आराम से आती जाती रहती हैं। तो इससे एक चीज़ तो पता चलता है कि हमारे मन मस्तिष्क का जो कनेक्शन है वो हमारी सांसों के साथ बहुत गहरा है। अगर हम अपनी सांसों को कंट्रोल कर लें तो हमारे मन मस्तिष्क पर सीधा सीधा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर मैंने बनाई है कि बहुत से लोग बड़ा परेशान होते हैं कि उनके मन मस्तिष्क पर उनका कंट्रोल नहीं होता, यानी दिमाग में बहुत से विचार, बहुत से थॉट्स चलते रहते हैं, मन एक जगह ठहरता नहीं है। एक काम को करने के लिए बैठते हैं तो मन जो है कहीं दूसरे काम में भाग जाता है। अभी यहाँ पे बैठे नहीं तो कोई भी पास्ट में कुछ भी घटना घटी है वो याद आ जाती है, या फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं। वर्तमान में रहने की तो हमारी आदत ही नहीं रहती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होने लगती है, और हम जैसे ही हमारा काम ख़त्म करके शाम में आते हैं तो हम थक कर चकनाचूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप करेंगे समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वल रेशियो ब्रीदिंग। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, तो जो कंप्लीट बिगनर है ना वो भी इसका अभ्यास बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर चैनल में नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आज आप जब समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास सीखेंगे इस वीडियो को देखकर, तो और जब आप करेंगे तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि मन जो इधर उधर बहुत भटकता रहता है ना, दिमाग में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चलती रहती है, ओवर थिंकिंग की समस्या, वो आपकी कंट्रोल होगी। तो चलिए इन अभ्यासों को शुरू करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शहीदा ने आज लाभ तो बता दिए लेकिन सावधानियां नहीं बताई, तो मैं आपको बता दूं आज के अभ्यास के ना कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस अभ्यास को किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी जेंडर का व्यक्ति कर सकता है। आपको कोई हेल्थ कंडीशन है फिर भी इसका अभ्यास बिना झिझक करें, जैसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक कंडीशन या सर्जरी के दौरान अवॉइड करी जाती है या प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड की जाती है, तो कोई भी इसका अभ्यास दिन में किसी भी वक्त करें, इनफैक्ट सोने से पहले भी कर लेंगे ना फिर भी बहुत अच्छी नींद को प्रमोट करेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना किए हुए ये सारी प्रैक्टिसेस जल्दी जल्दी सीखते हैं और इनसे स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो आराम से ऐसे पालथी मार के क्रॉस लेग पोजिशन पर बैठ जाएँ, इस तरीके से, ऐसे क्रॉस की क्रॉस है ना, इसको कहते हैं सुखासन, ऐसे क्रॉस लेग पोजिशन पर बैठ जाएँ। लेकिन बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे होंगे जिनके घुटने में दर्द है तो अपने पैर को आराम से बाकायदा ऐसे खोल के, चाहे तो पीछे दीवार का सहारा लेके भी बैठ सकते हैं, और दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रख लें। थंब को आपको इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ना है, अपनी अंगूठे को और अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ इस तरीके से जोड़ना है, और रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी, ऐसे सामने झुका हुआ नहीं होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है। तो चलिए इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाए, मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बताई, या तो सोफे में आप आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड सीधी है, चेहरे को आप पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ दें, न्यूट्रल छोड़ दें, किसी भी तरीके का भाव ना रखें। अब आपको ध्यान अपनी नासिका पर लेके आना है, हम स्टेप वन कर रहे हैं। सांस लें नाक से, और नाक से फिर धीरे धीरे सांस को आपको छोड़ देना है। जितनी सांस लें आप उतनी ही सांस को नाक से छोड़ देना है। काउंटिंग के साथ ये अभ्यास कर रहे हैं, सांस लें और सांस छोड़ दें। गहरी लंबी सांस नाक से लें, 1 2 3 4। ली हुई सांस को अब धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें, जितने कंट्रोल के साथ सांस को छोड़ सकते हैं बड़े आराम से। वापस से सांस लें, 1 2 3 4। अब सांसों को छोड़ें,
1, 2, 3, 4. पास ले लें, 1, 2, 3, 4. अब सांसों को धीरे धीरे छोड़ दें। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जितनी सांस ली उतनी सांस छोड़ दी। कंधों को मैंने रिलैक्स रखा, अपनी रीढ़ की हड्डी को मैंने रिलैक्स रखा, चेहरे को मैंने रिलैक्स रखा। मैंने ये तो नहीं किया, ये नहीं किया ना, आपको भी नहीं करना है। जब आपका कुछ दिन तक इस तरीके की प्रैक्टिस हो जाए तो आप सांस के छोड़ने पर थोड़ा और काम कर सकते हैं, यानी जितनी सांस ले उससे दोगुनी सांस छोड़ने की कोशिश करें, जितनी सांस ले उससे दोगुनी सांस छोड़ने की कोशिश करें। तो ये हो गया पहला राउंड। ये हमने अभी पहले राउंड में क्या किया, सांस लिया नाक से, सांस छोड़ा नाक से ही, मुँह को कम्प्लीटली बंद करके रखा। ये तो मैंने आपको एक अभ्यास आज करके बताया। अगर आप इस तरीके की और भी अभ्यास सीखना चाहते, अलग अलग तरीके के प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान कैसे करते हैं, डीप रिलैक्सेशन मैं आपको कराऊंगी, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ना यकीन मानिए कोई भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि मेरे सिखाने की जो टेक्निक है वो इस तरीके की है कि अगर आप बिगनर हैं तो भी ज्वाइन करें, अगर ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिस को और डेप्थ से समझें, और अगर आपकी हेल्थ कंडीशन किसी भी तरीके की है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है, रात में नींद नहीं आती, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो इन केसेस में भी ये क्लासेस हाईली बेनिफिशियल हैं। मेरे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी हेल्थ कंडीशन से उभरने में बहुत मदद मिली है। लेकिन किसी कारण से अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं जूम के माध्यम से, तो आप मेरे द्वारा कुछ कोर्सेज मैंने डेवलप किए हैं, जो कि योगा फॉर बिगनर्स, प्राणायाम और मेडिटेशन, इस तरीके के कोर्सेज हैं, और इनको मैंने बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया है ताकि कोई भी इंसान जिसने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया, वो भी स्टेप बाय स्टेप आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन वीडियोज़ की मदद से अपने घर के कम्फर्ट जोन पर ही रह के कितनी भी बार कहीं भी कर ले, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन कोर्सेज और क्लासेस के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट की डिटेल शेयर की हुई है। इस वेबसाइट पे विजिट करें, आपको क्लास और कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप वेबसाइट नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखते देखते रोकिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको क्लास और कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी आपके मोबाइल पर भेज दी जाएगी। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम सांसों को रोकने का काम करेंगे। पहले स्टेप में हमने सांसों को लेना यानी पूरक और सांसों को छोड़ना यानी रेचक का अभ्यास किया। दूसरे स्टेप में हम अब अभ्यास करेंगे पूरक यानी सांसों को लेना, कुंभक यानी सांसों को अंदर रोक के रखना, और फिर रोकी हुई सांस को बाहर छोड़ देना यानी रेचक का अभ्यास। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या है, देखिए हमारी ज़िंदगी जब तक रहेगी तब तक ये सांसों का आना और जाना बाय डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा, लेकिन आपको अगर अपने मन पर कंट्रोल रखना है तो थोड़ा सांसों के रोकने का भी अभ्यास करें, यानी ब्रेथ रिटेंशन का भी अभ्यास करें। जब आप ब्रेथ को रिटेन करते हैं ना, तो मन का इधर उधर भटकना, भाग जाना, पास्ट और फ्यूचर के उधेड़ बुन में लगे रहना, ये जो फ्लक्चुएशन है उस पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप दूसरे स्टेप की प्रैक्टिस करते हैं। गहरी सांस नाक से लेंगे, मुंह को बंद रखेंगे सारे अभ्यास में, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखा, अपने अंगूठे को अंगूठे के बगल वाली उंगली के पास रखा, बाकी की तीन उंगलियाँ बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रही हैं। गहरी सांस नाक से लेंगे, जितनी सांस ली है उतनी ही देर तक सांसों को रोक के रखेंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नासिका से जितनी सांस ली, जितनी सांस रोकी, उतनी ही सांसों को छोड़ देंगे। अगर रेशियो बात करें, 1:1 का रखेंगे शुरू शुरू में, 4 काउंट तक सांस लें, 4 काउंट तक रोक लें, और 4 काउंट तक धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। तो अब देखिए, मैंने सांस ले लिया नाक से, ली हुई सांसों को अंदर रोक लिया, और फिर उसके बाद
रोकी हुई सांस को धीरे धीरे नाक से बाहर छोड़ रही हो, तो इस चीज की मुझे पूरी जानकारी हो। चलिए 5 राउंड करते हैं साथ में। सांस लिया, रोक लिया, छोड़ दिया, काउंटिंग के साथ। इनहेल थ्रू योर नोज, 1, 2, 3, 4। रिटेन योर ब्रेथ, 1, 2, 3, 4। एंड स्लोली एक्सहेल, 1, 2, 3, 4। सांस लें, रोक लें सांसों को और धीरे धीरे रोकी हुई सांसों को छोड़ दें। गहरी सांस लें, 1, 2, 3, 4। रोक लें, 1, 2, 3, 4। छोड़ दें, 1, 2, 3, 4। अगेन, ऐसा अभ्यास आपको जितनी कंफर्टेबल हो के आप बैठ के अभ्यास कर सके और जितनी मर्तबा इसका अभ्यास कर सके, जितने राउंड्स अभ्यास कर सके, उतने राउंड आपको कंटिन्यू करना है बड़े शांति से। तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है, इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं बहुत सी जगह आप देखेंगे, या स्क्वायर ब्रीदिंग भी कहते हैं, समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास। तो इसमें हम करेंगे पूरक यानी सांसों को लेना, कुंभक, अंतर कुंभक यानी सांसों को लेने के बाद अंदर रोक के रखना, फिर उसके बाद रोकी हुई सांस को छोड़ना यानी रेचक, और फिर उसके बाद सांस छोड़ने के बाद सांसों को बाहर रोक के रखना यानी बहिर्कुंभक, यानी 4 इसमें अभ्यास होंगे। तो सांस लिया, अंदर रोक लिया, छोड़ा और फिर बाहर रोक लिया, तो इस तरीके से एक बॉक्स हो गया। और इन सारी प्रैक्टिसेस में हम ब्रीदिंग पर प्रॉपर ध्यान रखेंगे, कब सांस ले रहे हैं, कब सांस रोक रहे हैं, कब सांस छोड़ रहे हैं और कब सांसों को बाहर रोका। इससे हमारे मन को वक्त मिलेगा ही नहीं कि वो कहीं भटक जाए। तो अब जब हम अभ्यास करेंगे, कमर गर्दन को सीधी रखे हुए, चेहरे पर वही रिलैक्सिंग स्माइल रखते हुए, पूरे कंधों को ढीला छोड़ दें, लटकने दें, अपने अंगूठे को अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ जोड़ दें, अपने ध्यान को अपनी नासिका के द्वार पर लेके आएं, नाक से सांस लें, ली हुई सांस को अंदर रोक लें, अंदर रोकी हुई सांस को नाक से धीरे धीरे छोड़ें, जब सांसों को बाहर छोड़ दिया है तो बाहर रोक के रखें। तो ये हुआ एक चक्कर। इसी तरीके के कम से कम आपको 5 चक्कर 7 चक्कर 9 चक्कर, इस तरीके से जितने आपके पास टाइम हो, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया इन सारी प्रैक्टिसेस के कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। चले साथ में करते हैं। सांस लीजिए, ली हुई सांस को रोक लीजिए अंदर, फिर उसके बाद धीरे धीरे सांसों को नाक से छोड़िए, और जब आप सांसों को बाहर छोड़ दें तो बाहर रोक के रखिए। सांस लीजिए, 1, 2, 3, 4। सांसों को अंदर रोकिए, 1, 2, 3, 4। धीरे धीरे रोकी हुई सांस को नाक से बाहर छोड़ें, 1, 2, 3, 4। बाहर छोड़ने के बाद सांसों को बाहर रोक के रखें, 1, 2, 3, 4। अब आंखों को बंद करके मैं सारा अभ्यास आपके साथ करूंगी। आप जहां कहीं भी अभी बैठे हों, ये वीडियो देख रहे हों, तो मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए। आंखें बंद कर ली, कमर गर्दन सीधी, गहरी लंबी सांस नाक से ली, रोक लिया, नाक से सांस को छोड़ दिया और बाहर रोक लिया। कंटिन्यू करें। गहरी सांस नाक से लें, ली हुई सांस को रोकें, रोकी हुई सांस को छोड़ें और सांसों को बाहर रोक के रखें। इनहेल, 1, 2, 3, 4। रिटेन, 1, 2, 3, 4।
एक्सहेल, 1 2 3 4 एंड रिटेन आउट, 1 2 3 4 अगेन इनहेल, 1 2 3 4 सांसों को अंदर रोके, 1 2 3 4 सांसों को छोड़ें, 1 2 3 4 और सांसों को बाहर रोके रखें, 1 2 3 4 इस अभ्यास को लगातार कंटिन्यू करें जब तक अभ्यास कर सकते हैं आसानी से। आपका कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास हो जाए, अभी तो हमने सारे के सारे रेशियो जो है 1:1:1 के रेशियो में अभ्यास किया, जब आपका धीरे धीरे अभ्यास और मजबूत होता जाए तो आप क्या करेंगे, 4 काउंट तक सांस लेंगे, ली हुई सांस को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की कोशिश करेंगे, यानी आप जितना लंबी सी लंबी देर तक सांसों को रोक सके रोकेंगे, फिर सांसों के छोड़ने को भी कोशिश करेंगे जितना लंबा से लंबा हो सके। और ये सारा अभ्यास ऐसा नहीं कि आप तुरंत उठे और तुरंत पहले ही वीक में करें, इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा अपनी ब्रीदिंग में, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप चीज़ें समझाई। पहला स्टेप कर लें तो कुछ हफ्तों के बाद फिर दूसरा स्टेप करें, जब दूसरा स्टेप अच्छी तरीके से हो जाए तभी तीसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ें। तो जब और अच्छा अभ्यास हो जाए तो ब्रेथ को ज़्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश करें। अभी की वीडियो में हमने सिर्फ 4 काउंट तक सांसों को रोका, जब आप कुछ दिनों का अभ्यास और कर लें, 1 या 2 हफ्ते का अभ्यास कर लें, फिर इन सांसों को 8 काउंट तक रोकने की कोशिश करें, फिर 16 काउंट तक रोकने की कोशिश करें, फिर 20 काउंट्स तक रोकने की कोशिश करें, फिर उसके बाद 25-30 काउंट्स तक रोकने की कोशिश करें। ऐसा जब आप अभ्यास करने लगेंगे ना, और जैसे जैसे आपके सांस के रोकने की क्षमता बढ़ती जाएगी, मन देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके काबू में कैसे हो जाएगा, फिर आप मन से अपने जो कुछ भी करवाना चाहते हैं वो सब करवा पाएंगे, क्योंकि मन तब तक आपका बहुत अच्छा दास बन चुका होगा। तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए मन को अपना दास बनाने की, और एक हेल्दी लाइफ जीए जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी बंधन ना हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि हम बाकी पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने मन को ना संभाल पाएं तो फिर जीवन व्यर्थ है। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यह अभ्यास सिखाया समझाया, आशा करती हूँ हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी कुछ ना समझ में आया हो, बिना किसी झिझक के मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, या कि अगर आपकी इच्छा किसी टॉपिक पर वीडियो देखने की है तो उस टॉपिक को भी नीचे कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जाने से पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कर दिया है तो आप सभी का शुक्रिया। इस वीडियो को खुद तक सीमित मत रखिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो खुद भी अभ्यास कीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जाने से पहले, और निरंतर योग का अभ्यास कीजिए ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। नमस्ते।